हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये MCO 7 का। तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी के महीने में देने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ हमारे MCO 7 का जो प्लेलिस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे इग्नू एमकॉम कह के एक हेडिंग मिलेगा। उसके अंदर आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी इग्नू फर्स्ट ईयर और इग्नू सेकंड ईयर की। इग्नू फर्स्ट ईयर में आपका IBO 1 से लेकर के IBO 6 तक की प्लेलिस्ट है, और सेकंड ईयर में आपकी MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक का आपका एक टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। तो 6 6 12 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं। अराउंड 25 30 वीडियोज जो हैं तकरीबन सभी में अवेलेबल हैं। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां पे देखें उसको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और आप उसको अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे भी फायदा होगा और एग्जामिनेशन में जो है आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी। साथ ही साथ मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जो मैं अभी बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ, इस तरीके से और भी वीडियोस अपलोड होंगी, जिनको डेफिनेटली आप देख करके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज दैट व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि चीजें जो है आपको ठीक तरीके से समझ में आए। ये मैंने जूम इन कर लिया, गिरा, ठीक है। सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन फर्स्ट। सो द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज अ डिसीजन ऑन एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, है ना। आपको कोई ऐसा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करना है जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है ना। मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, ना कि किसी रेवेन्यू नेचर का। तो अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस है जो कि आपके कैपिटल नेचर का है ना, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन का हिस्सा। उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन में यही डिसाइड किया जाता है कि आपकी जो है एक्सपेंसेस जो है कितनी होनी है, किस पे होनी है, क्यों होनी है, ये सारी चीजें जो है फैक्टर है, एक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। अच्छा, अगला लाइन देख लो, विच इज इंटेंडेड टू क्रिएट फिजिकल एसेट। जब आप कैपिटल नेचर का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाती है ना, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो डायरेक्टली उस चीज में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कैपिटल नेचर का अगर कोई भी चीज आप खरीदोगे तो वो डायरेक्टली जो है वो फिजिकल एसेट के रूप में ही उसको ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है और ये जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर का जो होता है, ये काफी ह्यूज होता है अमाउंट में। जब भी इस तरह के खर्चे होते हैं तो बहुत ही ह्यूज खर्चे होते हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, इसको खर्च करने के पहले जो है कंपनी को काफी सोचना होता है, मैनेजमेंट को काफी सोचना होता है कि क्या वो डिसीजन जो ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए उनको जो है डिसीजन कर लेना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे, है ना। द एक्सपेंडिचर ऑन मॉनेटरी एसेट्स लाइक परचेज ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिवेंचर्स, ETC इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मॉनेटरी एसेट्स होंगे, अगर देखो यहाँ पे फिजिकल एसेट की बात बोली गई, अगर आप कुछ फिजिकल, अब देखो आपके दिमाग में आएगा फिजिकल एसेट क्या होता है। फिजिकल एसेट ऐसा एसेट जो कि आप देख पा रहे हो, आप उसको छू पा रहे हो, है ना। फिजिकल जैसे कि सपोज कोई जमीन होगी, जमीन को आप छू पाओगे, है ना, वो आपके लिए फिजिकल एसेट है। आपने कोई बाइक ले ली, आपने कोई कार ले लिया, आपने कोई बस ले लिया बिजनेस के लिए, है ना। तो ये सारे फिजिकल एसेट्स हैं जिसको आप छू सकते हो, है ना, तो इसको फिजिकल एसेट बोलेंगे। बट कोई ऐसा आपने एसेट खरीदा जो कि मॉनेटरी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल मैं शेयर्स खरीदता हूँ। अच्छा, शेयर से मुझे याद आया, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के पास, जो कि हमारे साथ टाई अप किया हुआ है, आप वहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको 1 रुपए भी पेमेंट नहीं लगेगा, आपका 0 कॉस्ट में जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा और फिर जो है आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल से ट्रेडिंग होती है, आपको बाय एंड सेल करना होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप करना चाहें तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको बस बाय करना है। जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके पास सेविंग्स में जो अमाउंट बचे हुए हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर दो अच्छी अच्छी कंपनीज में। कंपनीज के नाम भी मैं आपको सेलेक्ट कर दूंगा इफ यू नीड माई हेल्प माई असिस्टेंस। सो इन्वेस्टमेंट कर दो और भूल जाओ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है। उसका प्राइस गिरे बढ़े उससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ सालों बाद जब आप अच्छे स्टॉक में डील करते हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ सालों बाद, 5 6 सालों बाद, तकरीबन आपको 20% 50% तक का जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। कभी कभी तो 100 टाइम्स भी हो जाता है रिटर्न। सो अगर आप करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं इसका जो लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप चाहो तो आप वहां पे भी अकाउंट खोल पाओ, ठीक है ना।
तो शेयर में अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं मानेंगे, है ना। इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज इन मॉनेटरी एसेट, इट इज अ मॉनेटरी एसेट। Only investment in physical asset is appraised in capital budgeting, while investment in monetary and financial asset is appraised under portfolio analysis, है ना? तो कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी तरीके का फिजिकल एसेट में, तो हम उसको कैपिटल बजटिंग का हिस्सा मानेंगे। बट कोई भी कंपनी अगर इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया परचेज ऑफ बॉन्ड, शेयर, ट्रेजरी बिल्स, ईटीसी, जो कि मॉनिटरी एसेट्स होते हैं, तो इसको अप्रेज किया जाता है अंडर द हेडिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि ये करना आखिर क्यों जरूरी है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाए, 10 प्लस 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, 10 मार्क्स का हो सकता है ये क्वेश्चन आए, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा है। तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल एसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आपकी जो मनी है, जो भी आप एक्सपेंसेस करने वाले हो, वो आपके कैपिटल एसेट पर होने वाली है। तो कितना आपको करना है, कैसे करना है, किस एसेट को परचेस करना है, ये सारी की सारी जो डिसीजंस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मे बी ऑन प्लांट। अब किस तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर होगा, आपने सपोज प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, है ना, रोड्स एंड ब्रिजेस खरीदा, तो ये सारी चीजों क्या चीजों का के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये सारी चीजें जो है आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन का हिस्सा कहलाएंगी। ऑल्दो स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड प्रोड्यूस यू नो प्रूडेंस मस्ट बी एक्सरसाइज इन ऑल सच मैनर्स, बट स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल एसेट इज स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनेंस मैनेजर इज therefore required too much more cautious in making such a decision for the following reasons, है ना। तो ये जो decisions होते हैं ये कोई मतलब normal decisions नहीं होती, ये बहुत ही you know important decisions होते हैं जिसका असर जो है company के ऊपर पड़ता है, इसलिए इसको जो है बहुत ही cautiously लेने की जरूरत होती है। और कौन कौन से रीजन है जिसके कारण से इसको बहुत ज्यादा कॉशियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यानपूर्वक नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हो सकती है, है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है, इट इन्वॉल्व सस्टेनेबिलिटी सब्सटेंशियली हायर अमाउंट्स देन द अदर रूटीन एक्सपेंसेस। सही सही बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बहुत ही ह्यूज इन नेचर होता है, राइट। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी कोई एक्सपेंडिचर इस तरीके का आप करते हैं, तो ये जो आपका रूटीन एक्सपेंसेस होता है उससे ये अलग होता है। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा आपका वो सब्सटेंशियली हायर अमाउंट में होगा, है ना। अमाउंट जो होगी उसके तकरीबन करोड़, 2 करोड़, यू नो लाखों में जाएंगी, है ना। दूसरा पॉइंट है, द डिसीजन इज इरिवर्सिबल। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप उस डिसीजन को वापस घुमा फिरा नहीं सकते, उसको आप इररिवर्स नहीं कर सकते, उसका रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा गया है द डिसीजन इज इररिवर्सिबल, दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू विदड्रॉ योर स्टेप्स easily once you have taken few steps in this regard. जब आपने किसी regard के regarding, जब आपने किसी topic के regarding आपने कोई steps ले लिया है, तो वो आप उस step से पीछे नहीं हट सकते, वो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, है ना। तीसरा पॉइंट है, इट हैज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर खरीदते हो, जब आप एसेट खरीदते हो, जब आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का पड़ता है ना, बहुत ही लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। इनफैक्ट डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ कंपनी। अगर आपने कुछ कोई ऐसी चीज खरीदी जिसका आपको जरूरत नहीं है और कंपनी के लिए अगर वो लाइबिलिटी बन गया, अगर वो एक तरीके से बर्डन बन गया, तो एक तरीके से कंपनी के जो फ्यूचर होता है वो भी एक तरीके से डूम हो जाएगा, उसके भी ठीक तरीके से होने की चांसेस नहीं होंगी। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो डिटरमाइन करता है आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कि आप किस तरीके के एसेट्स में यू नो इन्वेस्ट आप कर रहे हो, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।